मध्य प्रदेश के देवास में मिला गजबाई हिंद का मॉड्यूल। एनआईए ने युवक से पूछताछ कर जब्त किया मोबाइल। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तान समर्थित गजबाई हिंद के मॉड्यूल से जुड़े रहने की आशंका के चलते राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने देवास जिले के सतवास में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान संदीप लियाकत को एक नोटिस भी जारी किया गया है, जबकि उसका मोबाइल भी जांच के दायरे में लिया गया है। बता दें कि एनआईए लखनऊ की टीम ने जब कार्रवाई की तो सतवास में खलबली मच गई। दरअसल रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम देवास जिले के सतवास पहुंची। यहां पर मेवाती मोहल्ला इलाके में रहने वाले लियाकत के घर पर छापा मारा गया। सतवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि एनआईए की टीम सतवास में आई थी और लियाकत नामक युवक से पूछताछ के बाद वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि लियाकत अभी बीमार चल रहा है, उस पर गजबाई हिंद का मॉड्यूल होने का कथित आरोप है। एनआईए की टीम ने उसका मोबाइल भी जांच के दायरे में लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं तो लियाकत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लियाकत का नहीं है कोई आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ से आई एनआईए की टीम में प्रदीप कुमार यादव, अनिल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने लियाकत को एक नोटिस भी थमाया है। इस दौरान सतवास के दो लोगों को गवाह भी बनाया गया है। वहीं अभी लियाकत की भूमिका की जाँच हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में लियाकत को एनआईए के बुलावे पर हाजिरी देना पड़ सकती है। सतवास थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि मेवाती मोहल्ला इलाके में रहने वाले लियाकत का स्थानीय थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा देवास जिले में भी उसका कोई रिकॉर्ड होने की अभी जानकारी सामने नहीं आई है। एनआईए की टीम ने बंद कमरे में लियाकत से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने क्या जब्त किया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।